बूंदी शहर में 4 दिन पहले हुए पुलिस कांस्टेबल पर जानलेवा हमला मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 6 को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन सभी आरोपियों को आपसी रंजिश के चलते हेड कांस्टेबल के परिवार पर हमला किया था, जिसमें हेड कांस्टेबल, उनकी पत्नी, बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसका बूंदी सामान्य अस्पताल में इलाज जारी है। इधर बदमाशों को गिरफ्तार करने के साथ ही कोतवाली प्रभारी पवन मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता कोतवाली से आरोपियों को पैदल जुलूस के साथ रूप में लेते हुए निकाला और सर्टिक हाउस कलेक्टर बस स्टैंड होते हुए शहर के व्यवस्थित मार्ग पर आरोपियों का जुलूस निकाला गया और इस आरोपियों की भय खत्म किया गया। कल तक पुलिस के लिए सिर दर्द बनी बदमाश आमजन के सामने इधर उधर बगले झांक रहे थे। इस दौरान पुलिस के घटना स्थल पर आरोपियों को ले जाकर सिनाखात भी करवाई। कोतवाली थाना प्रभारी पवन मेड़ा ने बताया कि 13 दिसंबर की रात्रि में 9 बजे के लगभग जब हेड कांस्टेबल जोधराज सिंह अपने परिवार के घर जा रहे, उसी समय आरोपियों ने हेड कांस्टेबल पर हमला कर दिया, जिसके साथ आधा दर्जन व्यक्ति आए थे और हाथों में तलवार व धारदार हथियार से हमला करना शुरू कर दिया। बीच बचाव में कांस्टेबल ने कहा कि मेरी पत्नी को आरोपियों ने तलवार से वार किया। पूरी घटना में कांस्टेबल, उसकी पत्नी बुरी तरह घायल हो गए। आसपास के लोगों के मौके पर पहुंचने के साथ ही आरोपी मौके से फरार हो गए। नामजद रिपोर्ट दर्ज कराने के साथ ही आरोपों की धरपकड़ की जा रही थी। सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला प्रॉपर्टी संबंधित बताया जा रहा है, जिस पर हेड कांस्टेबल के पुत्र का पुराने प्रॉपर्टी मालिक के पुत्र का पक्ष लेना माना जा रहा है। हालांकि पुलिस अनुसंधान के बाद ही विवाद के सही कारणों का पता लगाएगी। वही सीओ नरेंद्र पारिक ने भी हेड कांस्टेबल और उनकी पत्नी के जिला अस्पताल में इलाज के दौरान हालचाल लेने गए। हेड कांस्टेबल जोधराज व उनके परिवार पर हमले के बाद दिन भर शहरवासियों में चर्चा का विषय बना रहा। लोगों ने अनुमान लगाया कि हमले के पहले ही कांस्टेबल ने पुलिस को हमले की जानकारी दे दी थी। बावजूद पुलिस हमले के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची, जबकि पुलिस यदि इस मामले में शीघ्रता दिखाती तो घटना घटित नहीं होती। वहीं लोगों ने बताया कि पुलिस 2023 को लोगों ने जानलेवा हमला किया था। उसके अनुसंधान ने क्रम में 3 मुलजिमों को पहले गिरफ्तार किया था एवं प्रमुख आरोपी प्रहलाद सिंह 3 मुलजिमों को बाद में 6 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया था, जिनको आज न्यायालय में पेश किया गया था। पुलिस में भेजा जा रहा है। इस दौरान हमने उनको पैदल विभिन्न इलाकों से घटनास्थल पर गए थे। प्रथम दृष्टया तो कारण ये सामने आ रहा है कि प्रहलाद और परियादी का पुत्र दोनों आपस में मित्र थे। इनके प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया था, क्योंकि जो प्रॉपर्टी का मामला था उसमें प्रहलाद ने परियादी के पुत्र को शामिल नहीं किया।